हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए जो हिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर ऑलरेडी शुरुआत किया था, जिसका नाम है दोस्तों हमने चेंजिंग लाइफ। ठीक है, चेंजिंग लाइफ पार्ट वन। तो आज इसका हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चैप्टर था जिसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि किस प्रकार हमारे पुराने जमाने के कंपैरेटिवली हमारी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, ये हमने आपको थोड़ा सा बताया था लेक्चर नंबर 1 और 2। अगर आपने देखा है तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस की थी कि पहले के लोग किस प्रकार रहते थे, आज के लोग किस प्रकार रह रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी वाइज हमारे अंदर चेंजेस आ गई है, क्या क्या चीज़ें हम लोग जो पहले नहीं कर पा रहे थे आज के दिन में कर पा रहे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है। आज 3रा लेक्चर है जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि आप दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हमने बना के रखे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उनको ऐसा लगता है कि पहली बार जब ये वीडियो उनको अगर देख रहे होंगे तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ वीडियोज़ नहीं बनाए। तो हमने ऑलरेडी आपका पूरा साइंस कंप्लीट कर दिया है, बहुत पहले पूरा मैथ्स कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना, हर स्टैंडर्ड का 7th, 8th, 9th, 10th अगर हम बात करें, साइंस और मैथ्स पूरा कंप्लीट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आपके 95% से ज़्यादा कंप्लीट है। गिने चुने 2-3 चैप्टर्स बचे हुए, वो हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं, 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस बने रहना। और बहुत सारे इसके अलावा कई सारे वीडियोस है, मैथ ट्रिक्स के वीडियो है, और इसके अलावा अगर बात करें स्कॉलरशिप के वीडियोस है, अगर आप स्कॉलर बनना चाहते हो तो आपको वो हेल्प करेगा। 8th के लिए भी है, वहां पे 8th के जो स्कॉलरशिप के एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस को बहुत सारे डाले हुए हैं। ठीक है, तो जाके चेक करो प्लेलिस्ट, आपको पता चल जाएगा। और साथ ही में मुझसे आप बातें करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हो, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। कल हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार पहले जो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो पाती थी, अगर आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि पहले ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो पाती थी। पता है ना, ओपन हार्ट सर्जरी मतलब कुछ भी अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो सर्जरी किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता, तो वो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन आज के डेट में पॉसिबल है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों एक टाइम था कि हमारे देश में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता था। आप जानते हैं कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम के वजह से हमारी किडनी फेल हो जाती है। ठीक है ना, किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी फेल हो जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा, अगर आप साइंस के हमारे वीडियोस देखते होंगे और आपने हमारे अच्छे से तरीके से पढ़ाई किया होगा और साइंस के बारे में नॉलेज रखते होंगे, तो आपको पता है कि हमारे पास 2 किडनी होती है। एक ह्यूमन बींग के पास 2 किडनी होती है, एंड 2 किडनी में से अगर एक खराब हो गया तो वो 1 किडनी से भी जिंदा रह सकता है। जो काम 2 किडनी मिलके करते हैं वो 1 किडनी भी काम कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा एफिशिएंसी कम हो जाता है, लेकिन इंसान एटलीस्ट जिंदा रहता है। लेकिन अगर बाय चांस दोनों किडनी फेल हो गए, ठीक है, तब क्या होगा? तो एक टाइम था हमारे देश में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। एटलीस्ट एक समय था जिसका नाम, जिसका जो डेट अगर मैं बात करूँ 1971 तक, मतलब 1971 के पहले अगर किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का अगर किडनी खराब हो गया, दोनों किडनी खराब हो गया, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेचारा वो मर जाएगा। ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी, तो कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आफ्टर द 1971 कुछ चीज़ें बदली। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कैसी बदली कि यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया इस चीज़ को परफॉर्म करने का। तो एक हॉस्पिटल था जिसका नाम मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर्स में ही बताया था कि देश का पहला ओपन हार्ट सर्जरी जो हुआ था वो डॉक्टर एन गोपीनाथ द्वारा किया गया था, और वो था दोस्तों क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि वेल्लोर इन तमिलनाडु में था। तो ये सेम हॉस्पिटल में, सेम हॉस्पिटल तमिलनाडु वेल्लोर में, वही सेम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है वहाँ पे तमिलनाडु में डॉक्टर जॉनी और डॉक्टर मोहन राव, ये दोनों ने मिलके, देखो ध्यान से सुनना, डॉक्टर जॉनी एंड डॉक्टर मोहन राव, ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या किया था, एक किडनी को ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है ना, एक लिविंग पर्सन का किडनी दूसरे पर्सन के अंदर डाला था, एंड इस प्रकार की सर्जरी से बहुत ही लोगों की जान जो है बचानी शुरू कर दी गई थी 1971 में। तो सोचो आज के डेट में हम लोग ये सब पढ़ते तो हमें कितना चिंदी लगता है, सब चीज़ कितना नॉर्मल लगता है। आज हम लोग 2022 में है दोस्तों, ठीक है, 2022 में है, और आज हम सुनते हैं कि किसी का हार्ट खराब हो गया तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, किसी का किडनी खराब हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। हाँ, एक चीज़ चाहिए जो कि है मनी, पैसा होना चाहिए उसके लिए, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन आज के डेट में ये पॉसिबल है। लेकिन कोई 40-50 साल पहले ये चीज़ इमेजिन कर सकता था क्या? 60-70 साल पहले कोई इमेजिन कर सकता था कि अगर मेरा किडनी खराब हो गया, मेरा अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगा तो क्या हम इसका सर्जरी करवा सकते हैं, क्या इसको हम ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? तो ये चीज़ पॉसिबल हुआ, और इसी को तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, दैट इज़ द चेंजिंग लाइफ। चेंजिंग लाइफ है ना, लाइफ चेंज हो रही है। कैसे लोग जो है उस चीज़ के लिए मर जा रहे थे, इलाज नहीं मिल रहा था, लेकिन आज उसका इलाज है और आज हम बच जा रहे हैं, आज हम सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दिस इज वॉट वी कॉल एज द चेंजिंग लाइफ।
समझ में आ रहा है। ऐसे हमारी जिंदगी जो है धीरे धीरे चेंज होने लगी है और ऐसे कई सारे प्रकार की सर्जरीज हमारे देश में आज हो पा रहे हैं, चाहे वो ब्रेन का सर्जरी हो, चाहे वो लिवर का हो, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का है। आज बिंदास हमारे डॉक्टर्स इतने पढ़े लिखे हैं, इतने टैलेंटेड, इतने स्किल्ड है कि हमारे देश के लोग जो है ईजिली अपनी जान को बचा सकते हैं, हमारे देश के हॉस्पिटल में जाके अपनी इलाज करवा सकते हैं। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो है वो होने लगे, क्लियर है। तो ये चीज़, इससे एक और चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि किस प्रकार अलग अलग देश के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं। जैसे हमसे जो थोड़े से गरीब देश हैं, जैसे हम भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, हम भी डेवलपिंग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे कई सारे कंट्रीज़ हैं जिनके पास उस वो लेवल का सुविधा नहीं है अपने कंट्री में, वो हमारे देश में आते हैं, वो इंडिया में आते हैं इलाज करवाने के लिए। और इससे बढ़ के चीज़ें क्या होनी चाहिए कि 1971 में हमारे पास वो सुविधा नहीं थी, लेकिन आज के डेट में वो सब सुविधा है और आज दूसरे दूसरे देश से भी लोग हमारे देश में आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। ये खास बात है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक किडनी ट्रांसप्लांट का। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया। एक और बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों साइंस से रिलेटेड टॉपिक है ये, ठीक है ना। और ये शायद 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो नॉर्मली एक टाइम हुआ करता था, जैसे कि आप जानते हो कि हर एक पेरेंट जो होते हैं, ठीक है ना, जो शादी कर लेते हैं, एक लड़का एक लड़की जब शादी कर लेते हैं तो कुछ समय के बाद उनको बच्चा चाहिए होता है, ठीक है ना। दे वॉन्ट चाइल्ड, चिल्ड्रन, आगे पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए दे वॉन्ट चाइल्ड। अब चाइल्ड नॉर्मली, ठीक है, अब चिल्ड्रन के लिए नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ठीक है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज, तो कभी कभी क्या होता है या तो मेल पार्टनर में, थोड़ा यहाँ पे मैं साइंस घुसाऊंगा बीच में, थोड़ा समझ जाना क्योंकि 9th में आपने साइंस में नहीं पढ़ाया हुआ है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक मेल पार्टनर होता है, एक फीमेल पार्टनर होता है, ये तो आप जानते होंगे। कोई भी ह्यूमन बींग की अगर बात कर लो, जब तक मेल और फीमेल का मिलन नहीं होगा तब तक जो चाइल्ड है, जब बच्चा जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, डायरेक्टली मेल एंड फीमेल मिलने के बाद नहीं होता है। आपको मैं थोड़ा प्रॉपर साइंस के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि देखो मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर एक कंसेप्ट को, हम लोग हिस्ट्री भले ही पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये नहीं है ना कि मैं सिर्फ आपको जो बेसिक हिस्ट्री सिलेबस में दिया है वही पढ़ा के चले जाऊँ। मेरे पास अगर ये टॉपिक आया है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो मुझे आप लोग को ये बताना पड़ेगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता कैसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो आप सिर्फ बाकी चीज़ खाली समझ के जाओगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो समझ के लो टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि मेल होती है, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, ठीक है ना। अब मेल में क्या होता है, जो हार्मोन होता है उसका, या फिर आप बोल सकते हो जो सेक्स का गैमेट जो होता है वो होता है मेल का स्पर्म, ठीक है, और जो फीमेल का जो सेक्स गैमेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवा या फिर ओवम, एग बोल सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है ना, एग बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो स्पर्म और ये जो ओवम, ये एग जब मिलते हैं तो सबसे पहला चीज बनता है दोस्तों जाइगोट, ठीक है, क्या बनता है जाइगोट। और ये जाइगोट बनने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या होता है दोस्तों साइंस के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जब स्पर्म, मेल का स्पर्म जब फीमेल के एग के साथ जब मिलता है, ठीक है, तब क्या होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जाइगोट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ग्रो होगा तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है ना, लगभग एम्ब्रियो बन जाएगा। और एम्ब्रियो बनने के कुछ महीनों के बाद, ठीक है ना, आफ्टर लाइक 6-7 मंथ, ठीक है ना, ये एम्ब्रियो बनने में 3 मंथ तक का पीरियड लग सकता है अच्छे से फॉर्मेशन होने में, ठीक है। और पूरा फॉर्मेशन होने के बाद अप टू 8.5-9 मंथ तक अगर कंसिडर किया जाए तो नॉर्मली एक बेबी दुनिया में आता है, ये तो आप जानते होंगे। ये मैंने बहुत बेसिक बताया, बहुत ही नॉर्मल साधारण से लैंग्वेज में बताया, वैसे पूरा डिटेल में आपको साइंस में मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपका टॉपिक होगा ये वाला तो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो मेल का जो स्पर्म होता है या फिर जो ओवम होता है या फिर मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फैक्टर्स है उसके लिए, वो हम लोग साइंस में डिस्कस करेंगे नॉर्मली। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो स्पर्म एंड ओवम जो होते हैं ना, ये दोनों मिल नहीं पाते हैं, और मिल नहीं पाते जिसके वजह से ये जो प्रोसेस है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये ठीक से नहीं हो पाता है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा और बेबी भी नहीं बनेगा, तो बच्चा वो लोग को नहीं हो पाता था। और उस जमाने में बच्चा जब जिसको नहीं होता था तो बहुत ताने लोग मारते थे, आप जानते, खासकर फीमेल्स को बहुत सारे अलग अलग नाम से बुलाते थे, तो फीमेल्स को बुरा भी लगता था। तो क्या ऐसा एक तरीका था, क्या एक ऐसा तरीका है कि जिससे अगर किसी भी कपल को, यानी मेल एंड फीमेल को कुछ प्रॉब्लम है, अगर उनका चिल्ड्रन नहीं हो पा रहा है, तो देर आर सम टेक्निक्स, क्या ऐसा तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे को पैदा कर सकते हैं। यस, देर आर सो मेनी टेक्निक, आज के डेट में तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टेक्निक, लेकिन ये जो हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी, ये जो माँ बाप बच्चे नहीं कर पाते थे, चाइल्डलेस होते थे, तो उनके लिए एक बेस्ट सुविधा है कि जो स्पर्म और ओवम जब नहीं मिल पा रहे थे इंटरनली, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, नेचुरल तरीका जो होता है, ठीक है ना, तो वो जब नहीं मिल पा रहे थे तो क्यों ना उसको एक एक्सटर्नल तरीके से मिलाया जाए। तो नॉर्मली टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल होने लगा। टेस्ट ट्यूब में नॉर्मली स्पर्म लिया जाता था ऑफ द मेल पार्टनर एंड
ओवम लिया जाता था, यानी एग लिया जाता था ऑफ द फीमेल पार्टनर, एंड दोनों को टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता था, फर्टिलाइज करवाया जाता था। एंड जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन उसका प्रोसेस होने लगेगा, उसको अंदर द आप बोल सकते हैं यूटेरस, ठीक है ना, जो हमारा जो मदर का वॉर्म होता है उसमें इंस्टॉल किया जाता था, ठीक है ना, फिजिकली बाहर की तरफ से इंस्टॉल किया जाता था। एंड जाके तब उसके अंदर वो सब चीज़ फॉर्मेशन होने के बाद उसमें बेबी बन सकता था। और ये प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ क्या हुआ, वो हुआ टेस्ट ट्यूब। इसीलिए उस बेबी का नाम रखा जाता था, मतलब वो प्रोसेस का नाम रखा जाता था टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इस वजह से ये चीज़ भी पॉसिबल होने लगा कि यहाँ पे जो पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था, ये आर्टिफिशियल कंसेप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल कंसेप्शन, यानी कि ये एक नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसको बाहर से करवाया गया। बट मेल एंड फीमेल के जो एग थे, यानी कि मेल का जो आपका गैमेट था और फीमेल के जो गैमेट थे, वो उनके ही थे, किसी और के नहीं थे। किसी और के भी यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो हम कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिफिशियल तरीके से किया गया, टेस्ट ट्यूब का यूज़ करके किया गया, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी नाम दिया गया। और ये सब चीज़ें देखो पॉसिबल होने लगा। तो नॉर्मली ये सक्सेसफुल हुआ था, पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, इस प्रकार के व्यक्ति थे, इनका नाम था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी जो है सक्सेसफुली हो पाया, कोलकाता में सबसे पहली बार हुआ था। और एक गर्ल थी जिनका नाम रखा गया था दुर्गा, जब पहली लड़की पैदा हुई इस टेस्ट ट्यूब बेबी से, जो पहली इंसान जो दुनिया में आई, उसका लड़की का नाम रखा गया दुर्गा। ये आप लोग याद रखना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। दुर्गा वॉज द फर्स्ट गर्ल जो इस टेक्नोलॉजी, इस टेस्ट ट्यूब बेबी की हेल्प से दुनिया में आई थी। और ये जो टेक्नोलॉजी था, ये करोड़ों लोगों का जो प्रॉब्लम था, लाखों लोगों का जो प्रॉब्लम था, जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे थे नेचुरल तरीके से, उनको यहाँ पे हेल्प हो रहा था। और सोचो कि ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाया इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम था टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर है? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाना जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन। ये क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इतना पार्ट मिटा देता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान देखो, एक और टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप एक चीज जानते हो, इम्यूनाइजेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून। ठीक है, तो इम्यून क्या होता है, अगर हम यहां पे सेपरेट लिखते हैं इसको, इम्यून ये जो वर्ड है, इम्यून का मतलब होता है हमारा, बोलते हैं ना, एक इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, ऐसा, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, रोग प्रतिरोधक रोधक शक्ति, ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता, इन शॉर्ट बीमारी से लड़ने की क्षमता, द कैपेबिलिटी टू फाइट द डिसीज। आपको पता है कि हमारे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल वायरस, एक्सटर्नल बैक्टीरिया कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, समझ लो ये रूम है मेरा, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऑक्सीजन लेने के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया और कुछ कीटाणु मेरे अंदर गए होंगे, लेकिन मैं बीमार अभी नहीं पड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसा चीज़ है जो उस बैक्टीरिया और उस वायरस से लड़ रहा होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम। हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साइंस में हम लोग ने पढ़ा हुआ है और आगे भी आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ नॉर्मली क्या होता था कि 1978 के पहले की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जिसमें से, अगर हम बात करें आउट ऑफ 10 बच्चे की अगर बात करें, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे लगभग 6 मंथ के पहले वाले, इन्फेंट जिसको बोलते हैं, आपको पता है 6 महीने के अंदर के बच्चे इन्फेंट्स बोले जाते हैं। ठीक है, मतलब एकदम छोटे बच्चे, एकदम नवजात शिशु बोलते हैं हम लोग नॉर्मली हिंदी में, एकदम छोटे बच्चे 6 महीने के पहले वाले बच्चे, तो उनको ना पैदा होने के साथ साथ 6 महीने तक ना बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने मिलते थे, डिसीज़ हो जाते थे, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगे थे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे जानलेवा बीमारियों का खतरा था, जैसे पोलियो का, मीजल्स का, डायरिया, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ हो गया, टीबी, टेटनस, इस प्रकार के कई सारी बीमारियां थी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इम्यून को बूस्टअप करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसके लिए बहुत सारे वैक्सीन भी होने लगे। आप जानते हैं कि आज सबसे पहली बात तो आप आज के डेट में एक वैक्सीन का नाम सुन रहे होंगे जो कि कोविड वैक्सीन होती है, लेकिन इसके कई साल पहले आप बचपन में आपको बहुत सारी वैक्सीन ऑलरेडी लगी होगी। टीबी की वैक्सीन, माफ करना टीबी की तो नहीं लगी होगी, माफ करना ही हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगी होगी। ठीक है ना, मुझे जहां तक मुझे जो जो याद है मैं बता रहा हूं, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगती है, फिर उसके अलावा हमें टेटनस की वैक्सीन लग जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोलियो की, क्योंकि एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि हमारा देश में पोलियो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, बहुत सारे बच्चों को पोलियो का शिकार हो रहे थे, और थोड़े से अपंग जो बोलते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाता है, उस प्रकार के लोग काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो इस चीज़ को बहुत फास्ट किया गया और पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज़ी से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे देश में चलाया गया, और हर बच्चे को टीका दिया जाने लगा। बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद कुछ 6 मंथ 1 ईयर तक कुछ तो रहता है, और वो पोलियो का टीका देना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, तो जब पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ 1995 में, ताकि पोलियो को कंट्रोल किया जा सके, और इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होने लगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है दोस्तों अर्बनाइजेशन।
ठीक है ना, अर्बनाइजेशन। अब देखो ये नाम में अर्बनाइजेशन वर्ड है, यानी कि क्या है, अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहर का इलाका, यानी कि सिटी। तो इसमें हम क्या पढ़ने पढ़ने वाले हैं, देखो अर्बनाइजेशन को एक प्रॉपर तरीके से बोलेंगे तो यानी कि द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए सिटी इज नोन एज द अर्बनाइजेशन, यानी कि एक लेवल होता है अर्बनाइजेशन का, कि कौन से शहर में कौन से राज्य में कितने ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है, जैसे मैं रहता हूँ मुंबई स्टेट में, ठीक है ना, मुंबई सिटी के आसपास मैं रहता हूँ, प्रॉपर मुंबई में नहीं रहता हूँ लेकिन थोड़ा सा आसपास रहता हूँ, आप सोच सकते हो पालघर डिस्ट्रिक्ट जो कि मुंबई के आसपास ही बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मुंबई हम लोग जो कंसिडर करते हैं, ठीक है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन का लेवल क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि मुंबई जो एरिया है, आसपास का जो एरिया है, इट इज़ अ सिटी प्लेस। लेकिन वही अगर हम कहीं विलेज एरिया चले जाते हैं, लेट सपोज हम कहीं पे भी चले गए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी होती है, तो वो क्या कहलाएगा, विलेज एरिया कहलाएगा। तो वहाँ का जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा। तो अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग उस जगह पर रहते हैं और वो उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, यानी कि द अर्बन एरिया दैट इज द डेवलप एरिया, उसमें ऑफिसेस होंगे, उसमें बड़े बड़े फ्लैट्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, उसमें रेलवेज होंगे, उसमें ब्रिजेस होंगे, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो कहलाता है अर्बन एरिया। लेकिन वही अगर विलेज एरिया की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो वो क्या कहलाएगा, जिसमें विलेजेस होते हैं, जिसमें गाँव होते हैं, ठीक है ना। अगर अगला टॉपिक की बात करें रूरल एरिया, ठीक है ना, अगला जो टॉपिक है हमारा रूरल एरिया, उसके हिसाब से बात करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर जो लोग गांव में रहते हैं, यानी कि विलेज एरिया में जो रहते हैं, और विलेज का डेफिनेशन क्या होता है, किसको हम लोग विलेज बोलते हैं और किसको सिटी बोलते हैं, सिटी का मतलब अभी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग को कंसिडर करने पड़ते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार के लोग हैं, यहाँ पे लोग पढ़ाई करने आते हैं, यहाँ पे लोग जॉब करने के लिए आते हैं, यहाँ पे ब्रिजेस है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे ऑफिसेस है, यहाँ पे फैक्ट्रीज है, यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से जॉब करते हैं, यहाँ पे मोर्टैलिटी रेट कम है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, यहाँ पे लाइवलीहुड यानी कि जो जीने का जरिया है, जो लोग कमा रहे हैं उसका जरिया बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें होती है। लेकिन विलेज का डेफिनेशन क्या होता है, रूरल एरिया का डेफिनेशन क्या होता है, कि नॉर्मली आपने विलेज में देखा होगा तो फील्ड बहुत सारे होते हैं, यानी खेत बहुत होते हैं। अगर आप विलेज को पहचानना चाहते हो तो विलेज का मतलब क्या होता है, खेत होते हैं, और खेत के आसपास आपको गिने चुने हाउसेस आपको देखने मिलेंगे, गिने चुने घर, कस्बे जिसको हम लोग बोलते हैं, वो देखने मिल जाएंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, विलेज। आज भी मैं कहीं ना कहीं अपने गांव जब जाता हूं, मैं देखता हूं पूरा खेत है और आसपास गिने चुने घर है। तो इस प्रकार से लोग विलेज में रहते हैं, गिन चुन के पूरे गांव में, समझ लो एक गांव है तो गिने चुने पूरे गांव में 10 से 20 घर होते हैं खाली, मतलब 10 से 20 परिवार रहता है खाली, तो वो छोटा सा गांव हो गया। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता, शहर में आप एक बिल्डिंग के अंदर ही देखोगे, एक चौल ले लो, मुंबई में चौल बहुत फेमस होते हैं मुंबई में, तो मुंबई में एक चौल ले लो तो उसमें ही कम से कम आपको हजारों लोग देखने मिल जाएंगे एक ही जगह पे, और उतने गांव में भी नहीं रहते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ पीपल इज मैक्सिमम इन द अर्बन एरिया, यानी कि सिटी एरिया, इसीलिए इसका अर्बनाइजेशन का जो लेवल है वो क्या है, हाई है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज एरिया इज वेरी लो, यहाँ पे जो लोग रहते हैं काफी कम रहते हैं, इसीलिए इसका जो अर्बनाइजेशन लेवल है वो क्या है, लो है। तो इस प्रकार से चीज़ें हम लोग क्या बोल सकते हैं, होता है। और जो सेटलमेंट होता है, यानी रहने वाले जो लोग होते हैं, काफ़ी कम होते हैं कंपैरेटिवली सिटी से करेंगे तो, काफ़ी कम लोग वहाँ पे अपना जो है बसते हैं, क्योंकि बहुत सारे विलेज के ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ खेती बाड़ी, जो प्योर फार्मर्स होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी करना है, वही लोग रहना पसंद करते हैं। अदरवाइज अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो वो गाँव में नहीं रहेगा, वो चले जाएगा शहर में, क्योंकि उसको जॉब करना है, उसको पैसे कमाना है, उसको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं। और आज इवन हम लोग भी अगर कंसिडर करें, जितने भी हम लोग हैं, नॉर्मली कहीं ना कहीं अपने लाइफ में माइग्रेशन जरूर करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी गांव से हैं, समझ लो आपके फादर होंगे, तो हो सकता है आज जहां पे भी हो आप, तो आपके फादर जरूरी नहीं है कि वहीं पे पैदा हुए होंगे, वहीं से बिलोंग करते होंगे, हो सकता है आपके फादर कहीं और से आए होंगे, यहां पे जॉब कर रहे होंगे और यहां पे बस गए होंगे, आपके फादर के फादर हो सकते हैं, आपके फादर के फादर हो सकते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी पीढ़ियां जो है कहीं ना कहीं माइग्रेट करके कहीं ना कहीं सुविधा जहां पे अच्छी मिलती है उस प्रकार से वो चीज़ें आती है। और यही सब फैक्टर्स जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कौन सा इलाका अर्बन एरिया है, अर्बनाइजेशन है, कौन सा इलाका रूरल एरिया है, ये सब चीज़ें क्लैरिफाई और जस्टिफाई करता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन रूरल एरिया के रिगार्डिंग, अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। तो आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार कर लेना, लेक्चर नंबर 4 फटाफट से आपके लिए हम लेकर आ जाएंगे, आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और जल्द मिलूंगा आपके सामने न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर दो। एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।